हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल वी के एडिट्स। हम आ चुके हैं लेके एक शानदार ट्यूटोरियल जो कि है हाउ टू रिटच योर स्किन लाइक अ प्रो। तो आप भी फोटोशॉप की तरह अपनी फोटो अपने मोबाइल फ़ोन पे ही शानदार तरीके से रिटच कर सकते हो। एंड आज हम तीन बेसिक एप्लीकेशन को यूज़ करके ये करने वाले हैं जो कि है स्नैपसीड, पिक्सआर्ट एंड लाइटरूम। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक ताकि आप एडिटिंग को अच्छे से सीख पाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन में। तो देख सकते हैं आप, सिंपल मैंने अपनी फ़ोटो क्लिक कर ली है एंड यहाँ पे मैं शेयर में जाके अपने स्नैपसीड ऐप में इसे ओपन कर लूँगा। यहाँ ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो में एक्ने और डार्क स्पॉट्स है। हमें ये हटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ हैंडलिंग टूल में जाके, जो हैंडलिंग टूल है और सॉरी हीलिंग टूल, यहाँ पर जाके जहाँ जहाँ एक्ने हैं वहाँ सिर्फ एक टैप करना है एंड वन टैप साथ बूम मैजिक सारे जो पिंपल्स एक्ने सारे गायब हो जाएंगे। तो मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी इसे देख सकें। ये स्टेप पूरा करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे जो हमारे पिंपल्स एक्ने जो भी थे, हमारे डार्क स्पॉट सारे क्लियर हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली टूल्स में जाके सेलेक्टिव में जाना है एंड सेलेक्टिव में जाके अपनी फ़ोटो कर लेना है थोड़ा सा ब्राइटर। वो कैसे करेंगे, यहाँ ऐड में जाके, यहाँ जो ऐड आइकन है नीचे में, यहाँ जा ऐड में जाके अपने फ़ोटो का जहाँ डार्क डार्क एरिया है वहाँ पे क्लिक करके वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ थोड़ा सा डार्क एरिया है उसे अच्छा से देख के सेलेक्ट कर लें एंड जितना चाहिए वहाँ तक का जूम कर लें। फिर हमें बढ़ा देना उसका ब्राइटनेस। फ्रेंड्स, ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद हमें देख सकते हैं कि हम फोटो की जो फेयरनेस है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ जो अंडो टूल है यहाँ पे जाके व्यू एडिट्स में जाना है एंड सेलेक्टिव में जाके ब्रश में जाना है एंड इन्वर्ट कर लेना है इसे। इन्वर्ट कैसे कर लेंगे, तो जहाँ जहाँ हमें नहीं चाहिए ब्राइटनेस वहाँ पर हमें सिंपली इरेज कर देना है ताकि हमें वहाँ पर ब्राइटनेस नहीं चाहिए। मैं यहाँ जल्दी जल्दी इसे कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ अच्छे से इरेज करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से डन कर लेना है एंड चल जाना है बैक। फिर हमें क्या करना है, इसकी शार्पनेस क्वालिटी है इसे हम बढ़ाना है। हमें यहाँ टूल्स में जाके जो डिटेल्स में जाना है एंड स्लाइड अप करना है एंड शार्पनेस इसे बढ़ा लेना है हमें 27% के आसपास। तो शार्पनेस बढ़ाने के बाद यहाँ से डन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव फोटो हो चुकी है। एंड हमें क्या करना है, अब सिंपली यहाँ से जो ऊपर शेयर का जो आइकन है यहाँ क्लिक करके हमें कर लेना है फ़ोटो को शेयर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ताकि हम आगे का जो एडिटिंग है वो कर सकें। यहाँ हम कर लेते हैं पिक्सआर्ट में शेयर। तो शेयर करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली कर लिया है शेयर एंड यहाँ से चल जाना है ब्यूटी में। ब्यूटी में जाने के बाद जो हमारा फेस फिक्स है इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है और जो सेटिंग है उसमें वही रखना है एंड अपने फेस पे अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है हमें। जो फ़ोटो की जो यहाँ पे जो फेस है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका हो रहा है एंड देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। मैं इसे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। एंड अगर यदि आपको कुछ बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनने को आए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ आउटडोर शूट कर रहा हूँ। सो आप एडजस्ट कर लें। ये करने के बाद हमें यहाँ से डन कर लेना है एंड चल जाना है डिटेल्स में। यहाँ आने के बाद अपने आईज़ में थोड़ा सा अप्लाई कर लेना है एंड जहाँ जहाँ आपका शेडो पोर्शन है वहाँ वहाँ भी अप्लाई करना है एंड हेयर्स में भी अप्लाई करना है। हेयर्स मतलब आईब्रोज़ में अप्लाई करना है एंड लिप्स में भी अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब हमें लग रहा है कि जो हमारा डिटेल्स है कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, तो हम इसे कर लेंगे कम। यहाँ सिंपली कर लेंगे कम। कम करने के बाद हमें थोड़ा साइज बढ़ा के इरेजर का एंड हल्का हल्का सा अप्लाई कर लेना है ताकि जो डिटेल का जो कैपेसिटी हो कम हो जाए। फिर यहाँ से हमें कर लेना है डन।
तो यहाँ ये अच्छे से करने के बाद हमें अपने आईज पे करना है लेंस पीएनजी को ऐड। तो वो ऐड फोटो में जाकर हम लेंस पीएनजी को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एंड अपने आईज पे अच्छे से लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको लगाना है एंड जूम करके आईज के बीच में लगा लेते हैं एंड इरेजर में जाके जो इसका एजेस है वहाँ थोड़ा सा इरेज कर लेना है ताकि अच्छे से मिल जाए एंड में रियलिस्टिक सा लुक यहाँ पे मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये करने के बाद अब हमें यहाँ से लेयर्स में जाके इसका डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसी को ही दूसरे आईज में सेट कर लेना है अच्छे से। सेट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कर लेना है, इसका ओपेसिटी है इसे कर लेना है 25 के आसपास एंड जो अगले की जो ओपेसिटी है उसे भी कर लेना है 25 के आसपास एंड हमें यहाँ कर लेना है डन, क्योंकि हमारा आई से काम हो चुका है कंप्लीट। अब हमें थोड़ा सा लिप्स में काम करना है, तो उसके लिए हम ड्रॉ टूल में जाके अपने लिप्स पे काम करेंगे। सेम टू सेम आपको भी इसी तरह से करना है, तो आप अगले स्टेप्स को देखते रहिए ध्यान से एंड फॉलो कीजिए, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा कम है तो मैं यहाँ ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ आप सेम टू सेम इसी स्टेप को फॉलो कीजिए एंड एडिटिंग को कंटिन्यू कीजिए।